मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर ए के त्यागी कैंसर सर्जन हूँ यशोदा हॉस्पिटल में। ये पेशेंट मिस्टर राजभर मेरे पास एल्विओलस कैंसर मतलब जबड़े का कैंसर लेकर के आए थे। ये टबैको वगैरह कुछ खाते थे तो जहाँ पर टबैको रखते हैं वहाँ पर वो उनको कैंसर हो गया था। थोड़ी बड़ी व्यवस्था थी, वो हड्डी उनकी ख़राब हो चुकी थी पूरी और गर्दन में उनके कुछ नोड्स वगैरह भी थे। तो हमने उनका पूरा ये जबड़ा पूरा निकाला, ऊपर उसकी चमड़ी भी ऊपर वो भी निकालनी पड़ी, अंदर का मांस भी निकालना पड़ा कैंसर को निकालने के लिए। हम लोग उसको कहते हैं वाइड लोकल एक्सीजन, जहाँ जहाँ कैंसर दिखता है उसके 1-1.5 सेंटीमीटर आगे जा करके जो भी उस रास्ते में आता सब निकालना पड़ता है। तो अंदर का मांस, जबड़े की हड्डी और बाहर की चमड़ी वो सब निकाली गई। गर्दन में काफ़ी वो लिम्फ नोड्स रहते हैं, उनमें भी कैंसर चला जाता है तो उनको भी निकालना पड़ता है। उसको हम रेडिकल नेक डिसेक्शन नाम सर्जरी का होता है। तो ये सब हमने निकाला। मैं शिव मुनि राजभर, मेरे मुंह में प्रॉब्लम था और मैं यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट में आया और अरविंद त्यागी सर को दिखाया। डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको जो है मसूड़े का कैंसर हो गया है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और फिर मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया और ऑपरेशन 7 जून जो है 2022 को हुआ। और ऑपरेशन के पीरियड में जो है मेरा ये पूरा ये मांस काट करके पूरा ख़राब हो गया था, जबड़ा ख़राब हो गया, तो उसको काट करके निकाला गया। और दाहिने पैर से मांस काट करके आलम सर ने जो है प्लास्टिक सर्जरी किया और मैं आज के डेट में बिल्कुल ठीक हूँ, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। मैं यशोदा हॉस्पिटल के सभी स्टाफ, सभी डॉक्टर्स का बहुत ही आभारी हूँ कि आज मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। मैं तहे दिल से इस हॉस्पिटल का आभारी हूँ, धन्यवाद। मैं डॉक्टर आलम प्रवास, HOD प्लास्टिक सर्जरी, गाजियाबाद यशोदा हॉस्पिटल में। तो ये पेशेंट शिवमुनि राजभर काफ़ी एडवांस्ड कैंसर स्टेज में हमारे पास आया था, जिसका लोअर जॉ निकालना पड़ा सर्जरी में। ऑन्को सर्जरी टीम ने उसको लोअर जॉ निकाला, अंदर का जो हम जिसको बकल मिकोजा बोलते हैं वो निकाला, मतलब अंदर की तरफ से पूरा नीचे का जबड़ा आधा और आसपास का जितना भी मांस होता है वो सारा निकाल दिया जबान छोड़ के। तो उसको बनाना काफ़ी मुश्किल काम है, जो कि आज की तारीख में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो बेस्ट है, वो यहाँ पे हम करते हैं। इसमें हमने उसका पैर का एक बोन लिया, उसी के साथ उसकी पतली पतली खून की नसें ली और उससे हड्डी जोड़ी ताकि उसके बाकी जो दांत हैं वो सही आपस में मिले, ताकि आगे चल के चबा पाए। और सारा ऑपरेशन जो माइक्रोस्कोप के अंडर करते हैं वो करीब 8-10 घंटे में ख़त्म हो गया। और आज 4 हफ्ते बाद उसका खाली जबड़ा ही नहीं, बाहर की चमड़े की स्किन, बाहर की गाल की स्किन और अंदर का लाइनिंग वो सारा बन गया है। वो पेशेंट चल रहा है, नॉर्मल खाना खा रहा है, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजर कर रहा है। तो मेरा संदेश सिर्फ यही है कि जो भी पेशेंट कैंसर के हैं वो घबराएं नहीं, अच्छा इलाज यहाँ पे अवेलेबल है और जो बेस्ट पॉसिबल कहीं भी दुनिया में है वो यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा। थैंक यू।